जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो है चैप्टर वाइज टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, और इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो का डिस्कशन कर लिया है, उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाके जो है चैप्टर वाइज टॉप एमसीक्यू का प्ले के नाम से जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां आप जाके जो है उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज हम लोग जो है ड्रिलिंग रिमिंग का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे और जितने भी बन सकते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसकी पूछने की संभावना है उसी का डिस्कशन करेंगे, यानी जितने भी क्वेश्चन पेपर एड किए गए हैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट वी से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ए कटिंग टूल यूज्ड टू फिनिश एंड इनलार्ज ए होल इज नॉइज, यानी जो है वह कौन सा टूल है जिसके द्वारा होल को फिनिश भी क्या करते हैं और हल्का सा इनलार्ज भी करते हैं, तो उसके लिए जो हम लोग रिमर का प्रयोग करते हैं। आप यह रिमर का तस्वीर भी देख सकते हैं, तो यहाँ आप जो है ये जो है ये रिमर है और ये वाला भाग को जो है जिसमें फ्लूट्स कटे हुए हैं इसे बॉडी कहा जाता है, और ये वाला भाग सैंक है और ये वाला भाग जो है टैंग है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल डज नॉट रिक्वायर एनी कूलेंट ड्यूरिंग रिमिंग, यानी रिमिंग के दौरान जो है किसमें कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कौन सा मेटल है, तो वहाँ जो है कास्ट आयरन आपका सही हो जाएगा, यानी कास्ट आयरन में जो है हम लोग कूलेंट का प्रयोग नहीं करते, इसमें कोई मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ सूखी हवा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, द ग्रूव प्रोवाइड ऑन द इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल आर कॉल्ड, यानी जो है ट्विस्ट ड्रिल के बॉडी में जो ग्रूव प्रोवाइड यानी जो ग्रूव दिया जाता है यानी खांचा दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फ्लूट्स कहा जाता है, जो कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं। हाँ यहाँ देख सकते हैं, ये ट्विस्ट ड्रिल का बॉडी है और यहाँ जो है खांचे कटे हुए हैं देख सकते हैं, इसे ही फ्लूट्स कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए वेज लाइक टूल यूज फॉर रिमूविंग द टेपर सैंक टूल्स फ्रॉम द नोज ऑफ द मशीन स्पिंडल व्हाट इज द कॉल्ड, यानी जो है टेपर सैंक ड्रिल को मशीन स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ड्रिल ड्रिफ्ट कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है। यहाँ आप इसका तस्वीर भी देख सकते हैं, ये हमारा ड्रिल ड्रिफ्ट है, इसी के द्वारा जो है ड्रिल के मशीन स्पिंडल से टेपर सैंक ड्रिल को बाहर निकाला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए होल विच इज नॉट मेड थ्रू फुल डेप्थ ऑफ द ए कंपोनेंट इज नॉइज, यानी जो है एक होल को जो है फुल डेप्थ में फुल गहराई में नहीं बनाया गया तो उसे क्या कहा, तो उसे ब्लाइंड होल कहा जाता है, तो इसका भी एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ देख सकते हैं, या जो है इस पे जो ड्रिलिंग किया गया या फुल डेप्थ में किया गया, यानी पूरी आर पार होल है और इसमें जो है आधा का किया गया है, यानी आधे भाग में किया गया है, पूर्ण रूप से नहीं किया गया, तो इसे ही ब्लाइंड होल कहा जाता है और यही जो है प्रश्न में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, द ड्रिल स्लिप्स और सॉकेट्स आर अवेलेबल विथ मोस्ट टेपर एंड देयर नंबर रेंज MT1 टू MT6, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ड्रिल साइज रेफर टू MT4, यानी क्या कहा जा रहा है कि ड्रिल का स्लीव और सॉकेट में मोस्ट टेपर में उपलब्ध होते हैं जिसकी संख्या MT1 से MT6 तक होती है, MT4 जो है किसे भी निर्देश यानी जो है किसे जो है निर्देशित करता है, तो MT4 जो है निर्देशित करता हुआ ड्रिल अभाव 31.75 अप टू 50.50, यानी जो है तो आपका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ए ड्रिल्ड होल गोज आउट ऑफ द सेंटर ड्यू टू, यानी जो है एक ड्रिल जो है अपने सेंटर से बाहर हो जाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो क्या हुआ इम्प्रेपेयर क्लैंपिंग ऑफ वर्क पीस का जो है सही क्लैंपिंग नहीं होने के कारण, या फिर बी में मिल जाता है वर्क पीस हैविंग ब्लू होल्स, वर्क पीस पे ब्लू होल्स होने के कारण, सी में मिल जाता है सेंटर पंच मार्क नॉट बीइंग लार्ज इनफ द गिवन प्रॉपर सीट टू द चिजल एज ऑफ ड्रिल, यानी जो है सेंटर पंच द्वारा जब पंचिंग किया गया तो उसके द्वारा जो इनलार्ज यानी जो है चीजा लेल जो है लार्ज नहीं होने के कारण, या फिर डी में मिल जाता है एनी ऑफ द एबव इनमें से कोई एक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इनमें से कोई एक, अगर ये इसमें कोई भी ये कारण है तो हमारा जो ड्रिल जो है वह सेंटर से बाहर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट्स इज यूज्ड फॉर रिमिंग एल्युमिनियम वर्कपीस। एल्युमिनियम वर्कपीस की रिमिंग करते समय कौन सा कूलेंट का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ जो हम लोग केरोसिन का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। तो कूलेंट जैसे कि आप लोग को पता है कि जब मशीन टूल्स काम करते हैं तो क्या होता है कि वो हीट हो जाता है, और हीट होने के कारण जो है टूल ब्लंट यानी खराब होने का खतरा आता है, उसको ठंडा रखने के लिए कूलेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए एक फंडामेंटल वीडियो मैं ला दूंगा कूलेंट और लुब्रिकेंट के लिए, तो अच्छे से जो है सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ए डाया 6H7 होल इज वी रिम्ड इन स्टील वर्क पीस, व्हाट साइज ऑफ द व्हील वी रिक्वायर्ड। यानी जो है एक यानी जो कहा जा रहा है कि 6H7 डाया का जो है इसमें होल करना, यानी जो है इतना इतना ये डाया जो है रिमिंग करने के बाद प्राप्त होना, इसके लिए ड्रिल साइज क्या होगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है RDS यानी जो है रिमर ड्रिल साइज बराबर क्या होता है, रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। सिंपली आप इस फॉर्मूले पे रख देंगे तो आपका आंसर जो है 5.8 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, बी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल डिपेंडेंट अपॉन द, यानी जो है ट्विस्ट ड्रिल का जो एंगल होता है वह किस पर निर्भर करता है? क्या वह कटिंग स्पीड पर, टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन पर, साइज ऑफ द ड्रिल या मटेरियल ऑफ द ड्रिल। यानी जो है ट्विस्ट ड्रिल का जो पॉइंट एंगल निर्भर करता है वह ड्रिल किए जाने वाले मटेरियल पे निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है, जो कि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द पॉइंट एंगल ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पस, जनरल पर्पस के लिए ट्विस्ट ड्रिल का जो पॉइंट एंगल रखते हैं वो कितना रखते हैं, वह 118 डिग्री रखते हैं, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। द रिलीफ एंगल गिवन बिहाइंड द कटिंग लिप्स इज कॉल्ड, यानी जो है कटिंग लिप्स के पीछे दिए जाने वाले रिलीफ कौन को क्या कहा जाता है, उसे लिप क्लियरेंस एंगल कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, ए होल ऑफ 10 mm डायमीटर इज टू फिनिश्ड विथ ए हैंड रिमर, द होल साइज रिक्वायर्ड फॉर रिमिंग सॉल्व बी। इसमें भी RDS पूछा गया, तो सिंपली आप जो फार्मूला है वो फार्मूला पुट कर देंगे, यानी RDS बराबर जो होता है रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, तो उसमें आपका जो आंसर 9.75 निकल के आ जाएगा। तो एक बार मैं फार्मूला आपको लिख दे रहा हूँ, तो आप नोट कर लेंगे। इसके लिए RDS के लिए जो फार्मूला होता है, एक मिनट, हाँ, यानी RDS रीमर ड्रिल साइज बराबर जो होता है रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। सिंपली जो आप इस फॉर्मूले पे रख देंगे आपका जो है रीमर ड्रिल साइज निकल के आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द इंड ऑफ एन एक्जेक्टिंग होल टू एकोमेंडेट द हैंड ऑफ सॉकेट स्क्रू इज कॉल्ड। यानी जो है सॉकेट हेड को स्थान देने के लिए जो होल को इनलार्ज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है काउंटर बोरिंग कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है, काउंटर बोरिंग। अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ ए बेवेलिंग द इंड ऑफ ए एग्जेक्टिंग होल इज कॉल्ड। यानी जो है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जो हल्का सा उसे बेवेलिट किया जाता है, उसे जो कहा जाता है उसे काउंटर सिंकिंग कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। इसका फिगर भी आप देख सकते हैं, यहाँ ये काउंटर सिंकिंग का आपको यहाँ मिल जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे जो है होल को हल्का सा बेवलिंग करने की प्रक्रिया को काउंटर सिंकिंग कहा जाता है, और होल को फिनिश करने की क्रिया को रिमिंग कहा जाता है, और होल में थ्रेड काटने की क्रिया को टेपिंग, और जो है यह काउंटर बोरिंग जो है होल को हल्का सा साइज में बड़ा करने के लिए काउंटर बोरिंग की प्रक्रिया की जाती है, और सेंटर ड्रिल के द्वारा जो है यहाँ होल में सेंटर ड्रिलिंग किया जाता है, और यहाँ जो है स्पॉट फेसिंग यहाँ ऊपर के भाग को जो है साफ करने के लिए स्पॉट फेसिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है, द टेपर सिंक ड्रिल शाउल बी रिमूव्ड फ्रॉम द मशीन स्पेंडल बाय मीन्स। यानी जो है टेपर सिंक ड्रिल को मशीन स्पेंडल से बाहर निकालते हैं वो किसके द्वारा निकालते हैं, तो ड्रिल ड्रिफ्ट के द्वारा निकालते हैं, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, ड्रिल चक आर होल्ड
ऑन द मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ, यहाँ होल्ड है मशीन स्पिंडल बाय, यानी जो है ड्रिल चक को मशीन स्पिंडल में होल्ड करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, तो वहाँ आर्बर के माध्यम से करते हैं, तो जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है आर्बर। यहाँ आप जो है यहाँ आर्बर का फिगर भी देख सकते हैं, यह जो है आर्बर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ड्रिल आस्तीन का उपयोग तब क्या आता है जब ड्रिल का टेपर शैंक होता है, यानी जो यहाँ आस्तीन से मतलब है स्लीव, ड्रिल स्लीव का उपयोग तब कब क्या आता है, तब क्या आता है जब ड्रिल का टेपर शैंक मशीन की धुरी से छोटा होता है, तो ऑप्शन ए में मिल जाता है जो कि सही होगा। अगला प्रश्न है द लीफ क्लियरेंस एंगल ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पज सॉल्व बी, यानी जो जनरल पर्पज के लिए जो है सामान्य कार्य के लिए ड्रिल का ट्विस्ट एंगल रखते हैं वो कितना रखते हैं, तो वो 8 डिग्री से 12 डिग्री रखते हैं, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। तो यहाँ जो है रॉन्ग क्वेश्चन प्रश्न आंसर दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वह 8 डिग्री से 12 डिग्री होगा, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है द सुटेबल कटिंग फ्लोर फॉर ड्यूरिंग एमएस प्लेट, यानी जो है माइल्ड स्टील प्लेट के लिए जो है कौन सा कटिंग फ्लोर का प्रयोग करते हैं, जो तो इसके लिए जो माइल्ड स्टील के करते हैं सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में ही मिल जाता है। अगला प्रश्न है द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांस इनटू द जॉब इन वन कंप्लीट रेवलेशन इज नॉइज, यानी जो है एक रेवलेशन में ड्रिल जितने जितना आगे जाता है उसे क्या कहा जाता है, यानी एक चक्कर लगाने पर ड्रिल जितने आगे बढ़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भरन यानी फिट कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है फिट। चलिए अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड द स्ट्रेट शैंक ड्रिल हैविंग डायमीटर लेस देन 12 mm, यानी जो है 12 mm से कम डायमीटर के लिए कि ड्रिल को पकड़ने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो वहां जो है ड्रिल चक का प्रयोग करते हैं, अगर 12 mm से कम दाया का ड्रिल पकड़ना है तो ड्रिल चक का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है द रेट ऑफ ए फीट डिपेंड अपॉन, यानी जो है फीट का रेट जो फीट का दर जो है डिपेंड करता है वह किस पर निर्भर करता है, तो वह जो है फिनिश्ड रिक्वायर्ड मटेरियल ऑफ द टूल मटेरियल द बी ड्रिल्ड, यानी ऑल ऑफ द एबव, सभी पे निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर फॉर सिलेक्शन ऑफ कटिंग स्पीड एंड फिट फॉर रिमिंग ए होल विथ मशीन रिमर, यानी जो है कौन सी बातें जो है आप साधारण भाषा में समझे कि कौन सी बातें जो है कटिंग स्पीड और फिट के लिए जो है सही नहीं है, मटेरियल ऑफ किस पे निर्भर नहीं करता, क्या मटेरियल ऑफ द जॉब जॉब के मटेरियल पे निर्भर नहीं करता, मटेरियल ऑफ द रिमर क्या रिमर के मटेरियल पे निर्भर नहीं करता, डायमीटर ऑफ द रिमर रिमर के डायमीटर पे निर्भर नहीं करता, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मटेरियल ऑफ द जॉब, यानी जो है माफ कीजिएगा जॉब के मटेरियल पर निर्भर करता है, यानी जो रिजिडिटी एंड फिक्चर यानी जो है स्थिरता और कठोरता पर निर्भर नहीं करता, तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए नट इज टू बी मेड फॉर स्क्रू ऑफ एम 10 × 1.5 व्हाट इज द साउल बी द साइज ऑफ ड्रिलेड होल, यानी ड्रिल होल का साइज पूछा गया है, तो आप सिंपली जो है यहाँ पिच को माइनस कर देंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही, और बाकी जितने भी बचे प्रश्न हैं कल के पार्ट में यानी जो है सेकेंड पार्ट में से क्लियर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।